खटौर के पास, खटौर एक गांव है, गांव के पास जो बुलावट है उसमें ये जिस तरीके से गुलाब के फूल आ रहे हैं नदियों में हम देख रहे हैं, आप इनको देखिए किस तरह से ये प्राकृतिक आनंद का मजा ले रहे हैं लोग। इस मालवा की सुहानी ठंड में जो नज़ारा आप देख रहे हैं कि झूले का जो पारंपरिक दृश्य है उसको भी आप देखिए, इधर से घने जंगल हैं, ये बांस के पेड़ हैं और यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से ये सारी चीज़ें चल रही हैं और लोग अपने घरों से भी भोजन लेकर आए हैं। गांव के लोगों ने यहाँ झूला बना लिया है और इस नए पर्यटन स्थल पर अब गांव के लोगों को कुछ रोज़गार भी मिलने लगा है। नए साल के पहले जिस तरीके से लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, आप देख रहे हैं बच्चों के साथ, परिवार के साथ, तो ये सारी जो बातें हैं ये वाकई इंदौर की मालवा की सबे मालवा की कहावत कही जाती है, उस कहावत के हिसाब से जो है आप देखते जाइए कि किस तरह से पूरा ये दृश्य है। इंदौर घनघोर जंगल है, यहाँ पर सुबह 7 बजे लोग आ रहे हैं और शाम तक 5 बजे तक लोग यहाँ पर आनंद का लेंगे। आप जिस तरह से ये फूल दिख रहे हैं, यहाँ पर एक नाव का भी इंतजाम किया गया है, गांव के लोग किस तरह से नाव में जो है बैठे जा रहे हैं। पर्यटक अभी इंदौर और उसके आसपास के लोग आ रहे हैं, यहाँ पर प्री वेडिंग शूटिंग का भी काम लगातार चल रहा है, नया डेस्टिनेशन जो बन चुका है। यहाँ पर आने के लिए हथौत के बाद से जो रास्ता है वो बड़ा ख़राब है, हम आपको वो भी बताएंगे, लेकिन अभी ये पता चला है कि वो जो सड़क है वो भी बहुत जल्दी बनने वाली है। आप इधर और घनघोर जंगल की तरफ आप देखते जाइए तो किस तरह से जंगल पूरा दिख रहा है। तो यहाँ पर जो घनघोर जंगल है, जंगल के बारे में ये रास्ता दिखाई है कि ये सड़क तो नहीं है लेकिन रास्ता है और ये कच्चा रास्ता जो बांस के ऊपर बनाया गया है, इसके ऊपर आप देखेंगे सूरज की जो है रोशनी ये बताती है इस घनघोर जंगल में किस तरह से पर्यटकों को मजा आ रहा है। आप इधर भी देखिए कि बांस के जो पेड़ हैं उसका पूरा जाल बना हुआ है। यहाँ पर अभी मध्य प्रदेश सरकार की निगाह नहीं गई है लेकिन जो दृश्य दिख रहा है तो आप चारों तरफ देख रहे हैं, देखिए सामने घोड़े पे भी लोग हैं और बच्चों को घुमा रहे हैं। यहाँ पर इस तरफ भी जो है गीत संगीत का आनंद लेने के लिए लोग म्यूजिक सिस्टम भी यहाँ पर लेकर आ गए हैं। अभी हम आपको ये दिखाते हैं कि किस तरह से ये देखिए डांस करते हुए दिख रहे हैं लोग और सब परिवार के साथ एंजॉय कर रहे हैं, लोग दाल बाफले की पार्टी यहाँ पर कर रहे हैं, लोग यहाँ पर सब्जी पूड़ी बनाकर ला रहे हैं और जिस तरह से ये लगातार आपको दृश्य दिख रहा है, देखिए ये जो झूला बनाया गया है इस झूले की हम विशेषता बताते हैं कि गाँव की जो खाट है उसको पलट दिया गया है और गाँव की जो ये पलटी हुई खाट है इस खाट के ऊपर किस तरह से आनंद ले रहे हैं लोग और जो दृश्य दिख रहा है वाकई चौंकाने वाला है। हमारा दर्शकों से कहना है कि वो फिर आ जाएं, भैया नमस्कार कर रहे हैं, लगता है इनको खूब ज़्यादा आनंद आ गया है। आप इन सब इस तरह के लोगों को देखते रहेंगे किस तरह से छोटे बच्चे और परिवार के लोग घने जंगलों में जा रहे हैं। ये आप एक छोटा सा झूला देखने को मिल रहा है, पीछे भी ये लोटस का जो है जाल एक पूरा बिखरा हुआ दिख रहा है, किस तरह से लोग यहाँ पर घूम रहे हैं। ये कि छोटा सा ये है, इसमें जाके देखिए कि ये किस तरह से यहाँ पर एक कैमरामैन ने अपना स्टूडियो बना रखा है, एक व्यवसाय व्यापार हो गया है और इसमें जिस तरह से बैठने का प्रयास होता है और ये देखिए जाम भी यहाँ पर बिक रहे हैं और ये एक मैंने अभी बताया था कि ग्रामीण लोगों के लिए एक रोज़गार का अवसर हो गया है। अभी हम इनसे पूछते हैं कि क्या नाम है आपका? शामू भाई, ये जाम आप कब से बेच रहे हैं? आज ही दुकान लगे। क्या भाव बेच रहे हैं? 20 रुपए का आधा किलो। तो बिक गए, कितने किलो बिक गए अभी तक? अभी पड़े आधे कैरेट बिकी, आधे पड़ी। आधी कैरेट बिकी। यहाँ गांव के लोग आते थे पहले, अब शहर के लोग कब से आने लगे हैं? दो तीन इतवार से यहाँ पर गांव के लोग आने लगे हैं। कैसा व्यवहार है? अच्छा व्यवहार। लोग अच्छे से बात करते हैं? पैसे पूरे देते हैं आपको? अच्छा, ये देखिए यहाँ पर जो लोग दाल बाटी बनाते हैं उन लोगों ने किस तरह से इन पेड़ों को जलाना शुरू किया है। ये पर्यावरण के हिसाब से ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ पर
जो बांस है ये बरसों पुराने हैं और इन बांसों को जलाने का जो प्रयास किया है वो भी ठीक नहीं है। यहाँ पर सफाई का कुछ तो खास तौर पर इंतजाम नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों ने जो है अपने खाने की झूठी पतलें वगैरह सब साइड में रख दी हैं। एक और हम झूला दिखाते हैं कि ये जो झूला है ये किस तरह से आपको देखिए पूरा सजाया है, तो गांव के परिवेश में जो शहरी लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और ये हम बताते हैं आपको, ये देखिए नाव चल रही है और ये नाव आगे तक भी है, इस तरफ भी कुछ अच्छा दृश्य दिख रहा है और वाकई ये एक अच्छा पर्यटन स्थल है। यहाँ पर अब मध्य प्रदेश सरकार की निगाह आना बाकी रह गई है। हनुमान जी का एक मंदिर भी बना हुआ है जहाँ पर लोग आके दर्शन कर रहे हैं और चारों तरफ जितने भी लोग यहाँ आ रहे हैं जिस तरफ से भी आ रहे हैं वो सब मंदिर में भी दर्शन करते हैं। ये सारा दृश्य नदी का आपको देखने को मिला है। आप देखिए पानी के लिए किस तरह से ये लोग प्रयास कर रहे हैं, पंप चलाने की जो देसी प्रथा है, जो सिस्टम है, उसी प्रथा के अनुसार पानी यहाँ पर पी रहे हैं। पीने के पानी का इंतजाम यहाँ पर जरूर ग्राम पंचायत ने कर दिया है और यहाँ पर थोड़ा सा इसको सुंदर बनाने की कोशिश की है। मेन रोड पर सीमेंट रोड बन चुका है, ये गुलावट का पुल भी जो है बन गया है, जिस पुल पर अब काफ़ी ट्रैफिक है और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग शहरी क्षेत्र से आ गए हैं। घने जंगलों के अंदर जाने का वाला रास्ता दिखाते हैं, इस रास्ते पर कितनी भीड़ है। यहाँ पर सारे खिलौने बिक रहे हैं और जिस तरह से यहाँ पर जो माहौल है, ये सामने कारों की पार्किंग की गई है और ये सारे टमाटर से लेके जाम से लेके पापड़ तक यहाँ पर बिक रहे हैं। इस सारी तरफ कारों की पार्किंग की गई है, उस तरफ भी नदी बनी हुई है और लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर चाय की दुकान भी है, शाही भेल भी यहाँ पर बिक रही है और ये जिस तरीके से बटले बिक रहे हैं और भी यहाँ पर दुकानें अस्थायी तौर पर लगा दी गई है। चाय की दुकान है यहाँ पर लगा हुआ है, ये निर्भय वन उद्यान इसका नाम लिखा है, ग्राम गुलावट है ये। और सारी तरफ आप जिस तरह देखना चाहेंगे उधर आपको आज देखें भीड़ इतनी ज़्यादा हो रही है कि ये जो सारा दृश्य देखकर लगता है कि वाकई मध्य प्रदेश सरकार की निगाह अब इस पर आना चाहिए कि किस तरह से पुरानी साइकिल को पीले रंग में रंग दिया है और उस पर जो लोटस है उस तरह का किया है। जो आमतौर पर धनाढ्य लोग होते हैं इस तरह की साइकिलों से नफरत करते हैं क्योंकि उनके यहाँ कारें होती है, लेकिन गांव में आकर वो अपने पुराने परिवेश में जाना चाहते हैं। आप इस तरह के सारे लोगों को देखते रहेंगे कि कैसे यहाँ पर आकर जो है बेड बल्ला भी बच्चे लाए हैं और ये सब जो घना जंगल है इसकी तरफ हम आपको और ले चलते हैं क्योंकि जिस तरह से ये जो जंगल बना है यहाँ पर जो अंदर रोशनी बिखेरती है सूरज की प्राकृतिक, घने जंगलों में भी जो है लोग जाने का प्रयास करते हैं। रात में यहाँ पर कोई डर बन सकता है, लेकिन सभी यहाँ पर कई कैमरामैन फोटोग्राफर कर रहे हैं और जिस तरीके से अलग अलग अंदाज में लोग घूम रहे हैं वो भी महत्वपूर्ण बात है। ये जो आपको पर्यटन स्थल गुलावट हम दिखा रहे हैं इसमें यहाँ पर इन जंगलों की जो लंबी छटाएँ हैं, जो घनघोर जंगल आपको दिख रहा है वो वाकई बांस के पेड़ की तरह है। और ये जो बांस के पेड़ हैं वहाँ पर किस तरह से लोग आप देख रहे हैं कि घूम रहे हैं चारों तरफ इधर से लेकर उधर तक, जिस तरीके से लोग घूम रहे हैं और परिवार के लिए भोजन भी लेकर आए हैं, खाना भी बन रहा है और जो दृश्य है वो वाकई चौंकाने वाला है। और यहाँ पर हम जो देख रहे हैं उस तरह से जो है ये आप देखिए कि सारे लोग जो है जिस तरह से वो बना रहे हैं, यहाँ पर एक पारिवारिक एंजॉयमेंट का एक साधन बन चुका है। इतना सस्ता सुंदर ये जो दृश्य है वो सारा अलग ही दिख रहा है। जितने जिस तरफ आप देखेंगे घनघोर जंगल आपको दिखेगा, बीहड़ के जंगलों से इसकी तुलना की जा सकती है, लेकिन इसमें जिस तरीके से अब लोगों का आना शुरू हो गया है उसके हिसाब से यहाँ पर पर्यावरण की चिंता करना बहुत ज़रूरी है। इस पूरे जंगल के बीच बीच में आपको कई जगह नदियों के दृश्य भी दिखाई देंगे। यहाँ पर जो पानी है वो भर चुका है और जिस तरीके से
लोग इसका आनंद ले रहे हैं वो आप देखिए कि क्यों घोड़े पर बैठकर बच्चे सवारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुनकुनी धूप के साथ कुनकुनी ठंड कहें या और कुछ कहें। आप देखिए पानी का जो दृश्य है वो कितना साफ दिख रहा है। यहाँ पर गुलावट वाले से पूछेंगे क्या भाव दिए हैं गुलावट? 10 रुपये। 10 रुपये का एक झुंड है ये। कितने झुंड बेटा भेज दिया आपने अभी तक? अभी तक 10 भेज दिया। छोटे बच्चे भी यहाँ पर ये पौधे बेचने का काम कर रहे हैं और चारों तरफ ये दृश्य आपको देखने को मिलेगा। जिस तरफ आप देखेंगे उस तरफ आपको तो वाकई यहाँ पर पर्यटन का एक बड़ा स्थल मालवा में बन चुका है और जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो काफ़ी तादाद में हैं। आज जो है रविवार होने के कारण यहाँ पर ज़्यादा भीड़ हो गई है। जिस तरह की ये जगह है ये वाकई चौंकाती है। आप देखते रहिए, इस तरह की पर्यटन स्थलों की जानकारी हम आपको देते रहेंगे घमासान.com पर।